हेलो आईफोन यूजर्स, तो क्या आप एक्साइटेड हो iOS 18 के लिए और उसके साथ जो नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला है, सॉरी एप्पल इंटेलिजेंस, उसके लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। WWDC 2024 अभी खत्म हुआ है कुछ घंटे पहले और मैं आ गया हूं आपके सामने iOS 18 के कुछ नए फीचर्स बताने के लिए। अब कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना कि जो भी नए फीचर्स आए हैं भाई वो सब हमें पता है, एंड्रॉइड में बहुत पहले से है, जो पुराना हो गया है। कुछ नया लिखना जिससे पढ़ के मुझे ही मजा आए। तो चलिए बताता हूं सब कुछ आपको iOS 18 के नए फीचर्स के बारे में। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। अब जो सबसे पहला फीचर जिसके बारे में बात करने वाला हूं वो है होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन को लेके। तो यहाँ नए टूल्स मिल रहे हैं जिससे कि आप एप्स को फ्रीली मूव कर सकते हो और ऐप आइकन्स को टिंट करके कस्टमाइज लुक दे सकते हो। ऐप आइकन्स अब डार्क मोड में मिल रहे हैं जो कुछ यूजर्स को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एप्स को ऑथेंटिकेशन के साथ लॉक करने का भी ऑप्शन दिया जा रहा है ऑन डिवाइस और प्राइवेसी इससे अलग लेवल पे जाने वाली है। और भाई मैं इस फीचर का ना बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐप लॉक करना है यार। फाइनली कंट्रोल सेंटर को भाई उसका नया रिवैम्प लुक मिलने वाला है और इसको भी अब आप कस्टमाइज कर सकते हो। डेवलपर्स अपने एप्स के लिए एडिशनल टूल दे सकते हैं कंट्रोल सेंटर में। यूजर स्वाइप करके दूसरे कंट्रोल सेंटर स्क्रीन पे और लॉक स्क्रीन कंट्रोल जैसे फ्लैशलाइट और कैमरा को भी एक्सेस कर सकते हैं और ये भी कस्टमाइजेबल होंगे। मतलब एंड्रॉइड वाले जो है ना, जो स्क्रीन लगा हुआ के जो ताम झाम करते हैं, बेसिकली अब आपको iOS में भी मिलने वाला है। मैसेजेस ऐप में भी बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाला है गाइस, जहां पे आप टैप बैक रिस्पांस में इमोजी यूज कर सकते हो। iOS 18 में बोल्ड, स्ट्राइक थ्रू और इटैलिक टेक्स्ट भी अब आप यूज कर पाओगे और ये टेक्स्ट नो नेटवर्क सिचुएशन में भी सैटेलाइट के थ्रू आप मैसेज भेज पाओगे। प्लस अब आप मैसेजेस को शेड्यूल भी कर सकते हो और ये सच में बहुत जरूरी था गाइस। और फाइनली RCS मिल रहा है जिससे कि आप एंड्रॉइड डिवाइसेस के साथ भी हाई क्वालिटी इमेजेस और वीडियोस भी शेयर कर पाओगे। तो कहते हैं आप फोटोज ऐप से परेशान हो गए थे ना फोटोज ढूंढ के, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है क्योंकि बहुत ही बड़ा मेजर अपडेट देखने को मिलने वाला है हमें फोटोज ऐप में। iOS 18 में अब आप फेसेस को बेटर सॉर्ट कर सकते हैं, कलेक्शन को टॉप पिन कर सकते हैं और ये पिक्चर्स को बेटर वे में ग्रुप करेगा और ये नए कोलोसल व्यू में भी दिखाएगा आपको। ये फीचर्स पहले से ही गूगल फोटोज पे अवेलेबल है पर अब आप एप्पल यूजर्स भी कंप्लेन नहीं करोगे इसके बारे में। और सबसे अच्छी बात यह है ना गाइस कि फोटोज ढूंढने में जो मेहनत करनी पड़ती थी ना, अब वो करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा गाइस फाइनली एप्पल इंटेलिजेंस आ चुका है। और क्या नाम है भाई, मतलब नाम सुनकर तो दिल खुश हो गया है, एप्पल इंटेलिजेंस, वाओ। अब ये करेगा क्या ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो बेसिकली आपके डिवाइसेस को यूज करने के तरीके को बेटर ये समझेगा और बेटर रिस्पॉन्स देगा जब आप इससे इंटरेक्ट करेंगे। आप AI का यूज करके इमेजेस जनरेट कर सकते हैं आई मैसेजेस में, iOS स्मार्टर वे में नोटिफिकेशन को प्रायोरिटाइज करे और सीरी AI का यूज करके और भी ज्यादा रिस्पॉन्स है ना वो थोड़ा नेचुरली हमारे सामने ला के रखेगा। और इसके साथ ही जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जो आंसर है वो भी अच्छे तरीके से मिलेगा हमें। अब ये ऐप से भी एक्शन ले सकती है आपके बिहाफ पे, जैसे कि फोटोज एडिट करना, ऐप्स के अक्रॉस आइटम को मूव करना, जैसे कि इमेजेस पे टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को नोट्स में प्रॉम्प्ट के थ्रू मूव करना। आपके पास जेन इमोजी का भी एडवांस वर्जन होगा जिससे कि बेसिकली AI का यूज करके एक इमोजी क्रिएट कर सकते हो। और फाइनली जो कि सबसे बड़ा अपडेट है गाइस वो ये है कि फाइनली आईफोन पे अब आप कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे। iOS 18 की भैया देन है इसमें, लेकिन यहाँ पे जो एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप ऐसा कर रहे होगे तो एक प्रॉम्प्ट जाएगा उनके पास, उन्हें पता चल जाएगा कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। और हाँ, हम कोई ना कोई तरीका या कोई जुगाड़ लगा ही लेंगे इसको बंद करने का, बट फिलहाल ये अभी अपडेट है जो कि मैंने आपके सामने रख दिया। और साथ ही साथ वॉइस मेमो ऐप अब ट्रांसक्राइब भी कर पाएगा। Apple Intelligence iOS 18 के साथ इस सितंबर में आ रहा है, न्यू आईफोन लॉन्च के करीब है और ChatGPT इंटीग्रेशन लेटर दिस ईयर Apple डिवाइसेस पे आ जाएंगे। बाकी अमन ने Apple Intelligence पे एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया है गाइस, जो कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जाके देख सकते हो। और हाँ, अगर अभी भी कोई सवाल है या कुछ चीजें हैं जो आप जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, लिख दो, भर दो, जो करना है कर दो। और हाँ, जाते हुए चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना।